हेलो दोस्त, कैसे हो? तो फाइनली मैं सभी सिटी से लोगों को रूम दिलवाकर आ चुका हूँ। आप सब काफी दिन से देख रहे हो तो भैया खाली फीडबैक फीडबैक, खाली भैया रूम दिलवा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रूम दिला रहे, भाई बहन को रूम दिलवा रहे, लड़की को रूम दिलवा रहे, लड़का को रूम दिलवा रहे, स्टूडेंट को रूम दिलवा रहे, वर्कर को रूम दिलवा रहे, मतलब ऑल जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी कैटेगरी का पीपल्स होते हैं, सभी को मैं रूम दिलवा रहा था। जैसे आप स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए बहुत ही खास रूम दिलवाता हूँ, बजट में दिलवाता हूँ, मिडिल क्लास हो तो बजट में दिलवाता हूँ। भैया आप कहाँ कहाँ आए हो, कहाँ कहाँ से रूम दिलवा के आए हो? तो सुनो, पहले मैं गया पटना, फिर कोलकाता, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ और फिर रायपुर में गया। ये 5 सिटी को मैं कवर किया हूँ ओनली 2 मंथ में। और 5 सिटी में कितने लोगों को रूम दिलवाया भाई? तो भाई हर सिटी में मैं कम से कम 20 से 25 लोगों को रूम दिलवाया हूँ। कितने लोगों को? 20 से 25 लोगों का, जिसमें कुछ फैमिली थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट थे, जिसमें कुछ वर्कर थे, जिसमें कुछ कपल्स थे, जिसमें कुछ लव मैरिज कपल थे। तो मैं सभी को रूम दिलवाया हूँ और सभी का फीडबैक ही मिलेगा। सभी का फीडबैक वाला वीडियो है, जितना मैं अपलोड कर सकता हूँ, जितना मैं अपलोड किया हूँ वो सारा कुछ है, और जो जो अभी अपलोड नहीं किया हूँ वो भी वीडियो है मेरे पास भाई। बट आज का वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ, एक 1 BHK का रूम दिखाऊंगा, एक 2 BHK का रूम दिखाऊंगा और एक सिंगल रूम दिखाऊंगा। और भाई 2 BHK का रूम ओनली 3800 से 4000 में। भाई तुम फेंक रहे हो यार, 3800 और 4000 में 2 BHK का मिल जाएगा क्या? अरे भाई मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। इसमें बहुत सारे फ्लैट है, इसमें बहुत सारे खाली था, मैंने काफी लोग को लगाया, उसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो कोई पीता होगा मेरा ग्रुप का लड़का, कोई सिगरेट सूंघेगा ये? हाँ, अभी मना कर दी सोनू के, तो भी बोले आंटी जी, हम बोले देख लिएगा उसको, मना करिएगा। भैया ये 2 BHK का रूम कैसा लगा? अमित भाई काफी अच्छा है, बाकी इसमें कोई रह रहा का? हाँ रह रहा, इनको मैं ही रूम दिलवाया हूँ भाई, इनको आप ही रूम दिलवाएगा? अरे भाई यहाँ पे अधिकतर रूम मैं ही दिलवाया हूँ। 2 स्टूडेंट है बेचारा, बोला कि भैया मेरा बजट कम है और मैं बिहार में रहता हूँ और पटना पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मुझे 4000 3800 3500 के रेंज में 2 रूम और किचन लैटरिन वॉशरूम मिल सकता क्या? मैं बोला भाई अमित भाई से कांटेक्ट कियो, 100% मिलेगा। बोला फिर भैया प्लीज दिलवा दीजिए। मैंने उसको 5 वीडियो भेजा, एक सस्ता भेजा, मतलब सस्ता ही सस्ता भेजा, बाकी 2 महंगा भेजा था, 8000 का टाल्स मार्बल वाला उसे भेजा। बोला भैया इतना बजट तो नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास है, मेरे पापा फार्मर है, मतलब किसान विसान है, जो आलू धान चावल ये सब उगाते हैं, तो मुझे सस्ता में दिलवा दीजिए। मैं बोला भाई 3800 में, 3800 थी घर के ऑनर तो 4000 बोली थी, बट 3800 में उसको मैं 2 BHK दिलवा दिया। अब दोनों का प्राइवेट प्राइवेट रूम हो गया, अब अपनी गर्लफ्रेंड से रूम में बता सकता है और ये अपनी गर्लफ्रेंड से ही रूम में बतिया सकता है, और बतियाने के बाद सामने वॉशरूम भी है, उसमें जाकर अपना जो है क्या बोलते खाना, और बगल में किचन भी है, तो वहां पे खाना वाना बनाकर जो भी काम करना चाहते बेचारा कर सकता। तो भाई रूम ऐसा ही है और बहुत मस्त रूम है। अगर ऐसा ही रूम अगर आपको भी चाहिए तो भाई ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर लो, कॉल नंबर लो और जल्द से जल्द अमित भैया के पास कॉल धराओ। हाँ भाई ठीक है ठीक है, मिल जाएगा, तो कॉल धराओ और जल्द से जल्द रूम बुक करो। अच्छा भैया ये थोड़ा हमको टाच मारा वाला चाहिए, 1 BHK का टाच मारा वाला चाहिए, तो वीडियो देख ना भाई। सामने ही किचन है, ये किचन है और ये वॉशरूम, और ये रूम है। 3500 बोले और 4500 ना? हाँ ठीक ठीक, स्कूटी पार्किंग के लिए जगह है ना? स्कूटी लगा है। हाँ एक स्कूटी है एक दोस्त के। भैया ये 1 BHK का रूम कैसा लगा? भैया ये 1 BHK का रूम तो काफी अच्छा है भाई, कितना का है ये? 4000 होगा, 5000 होगा? अरे भाई ओनली 3500 का है यार, फैमिली स्टूडेंट कपल, फ्री वाटर, पार्किंग, इसमें पार्किंग का स्पेस नहीं है भाई। हाँ यहाँ पे फ्री वाईफाई तो नहीं मिलेगा, बाकी फ्री वाटर, नो पार्किंग, बाकी आपको कॉमन मतलब आपको सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट किचन है, सेपरेट रूम है, रूम के सारा रूम के अंदर ही सारा कुछ है, आपको रूम के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गांव में हम सबको बोलते हैं अरे मौगी पास बैठा रहता है, मौगा है, तो ऐसा ही आप अपना रूम में रह सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो उससे पटली से। रेंट कितना? 3500 रुपया।
क्या इसे आप बुक करना चाहते हो? भाई स्टूडेंट फैमिली कपल कोई भी हो ना बुक कर सकते हो। घर के ऑनर ऊपर वाला तल्ला में रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर में बहुत अच्छा रूम है भाई, बुक कर लो, मिस मत करना भैया। चलिए ये तो ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा है, सिंगल रूम दिखा दीजिए ना। मैं थोड़ा गरीब परिवार से हूँ और सिंगल ही रहना है, तो उतना हाई फाई नहीं चाहिए। सिंगल रूम दिखा दीजिए, तो सिंगल रूम देख लो मेरे भाई। राजेंद्र नगर में ही है, एग्जैक्टली राजेंद्र नगर में स्टेशन के पास, राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास है। देखो और इधर बालकनी टाइप का है, उधर देखो वो पुल है ओगला, और वॉशरूम ही है, कॉमन वॉशरूम है सेपरेट नहीं, और नहाने के लिए ही है, खुला में भी नहा सकते हो, यहाँ गेट भी लगा के नहा सकते हो। भैया ये सिंगल रूम कैसा लगा? भैया ये कहाँ पे है? राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास है। कहाँ पे? राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, जस्ट ही 2 मिनट का रास्ता है। भैया आप कहाँ रहते हो? मैं भी राजेंद्र नगर टर्मिनल के ही पास रहता हूँ यार, दोनों भाई भाई मिलकर जाएंगे, लड़की को बोरिंग रोड में बाजार से भी थी, मैं नापेंगे पटाएंगे और कभी कभी पार्क भी करेंगे, पार्टी भी करेंगे। तो राजेंद्र नगर टर्मिनल पास लेना चाहते हो क्या? भैया रेंट कितना है इसका? ओनली 2500 है भाई। कितना है भैया? ओनली 2500। अरे भैया मुझे इसे बुक करना है, कैसे करें? ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर लो, कॉल नंबर लो, अमित भाई के पास कॉल लगाओ और रूम बुक करो। तो भैया मैं आपको जल्दी ही कॉल करता हूँ, तो करो। हाँ और लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं देखो ऑल ओवर इंडिया में मैं रूम करवाता हूँ भाई, चाहे फैमिली हो, वर्कर हो, एम्प्लॉई हो, सरकारी गवर्नमेंट का जॉब करते हो या प्राइवेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, किसी भी टाइप का रूम चाहिए। हाँ गलत काम के लिए रूम नहीं करवाता हूँ भाई, स्टूडेंट हो, वर्कर हो, फैमिली हो, कपल्स हो, लव मैरिज कपल हो, तब मैं आपको रूम करवा दूंगा। गलत काम करने के लिए आओगे मेरे पास, अगर मुझे पता चल गया तो बहुत मारता हूं भाई, और मारने वाला वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूं। इसलिए आप मुझे भाई समझिए, मैं आपको भाई समझता हूं। अच्छे काम के लिए आइए, पढ़ने लिखने आइए, रहने आइए, कमा करने आइए, जो भी करना करिए और रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।